हेलो यूजर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या हालचाल है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी अपडेट से। शिबा बर्न रेट शूट अप करता है 1064% तक। इथेरियम के प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है 7.6% और ये अपने $1260 के करीब पहुंच जाता है। क्रिप्टो मार्केट से $120 बिलियन वाइप आउट हो जाते हैं विद इन 7 डेज। शिबा इनू के प्राइस में ड्रॉप देखने को मिलता है 24% का विद इन अ वीक। लिक्विडिटी हब सीरम फोर्क किया जाता है बाय डेवलपर्स आफ्टर FTX हैक। करते हैं आज की हमारी फर्स्ट अपडेट से। शिबा इनू का जो बर्न रेट है वो स्पाइक कर जाता है और एक नए माइलस्टोन को अचीव करता है। अकॉर्डिंग टू द शिब आर्मी डेटा ये शो होता है कि इधर कुछ दिनों में मैसिव राइज देखा गया है शिबा बर्न रेट में, जो कि डेटा पब्लिश किया गया है shibaburn.com वेबसाइट पे। शिबा का जो बर्न रेट है वो 1064% तक बढ़ जाता है 24 घंटों में और शिबा कम्युनिटी रिमूव करती है करीब 23.8 बिलियन शीप को सर्कुलेटिंग सप्लाई से, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है इस मेम करेंसी में। अगर इसके बर्न रेट की बात करें तो वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा रहा है, जो कि इसके प्राइस को रिकवर करने में मदद कर सकता है। अनदर रीजन अगर देखा जाए तो रिसेंटली FTX का जो कोलैप्स हुआ था उसके बाद और उन्होंने अपनी बैंक्रप्सी फाइल की है लेटर ऑन, इस पूरे कोलैप्स से क्रिप्टो इंडस्ट्री पे बहुत चीजों पे इफेक्ट हुआ है। बहुत सारी मेम करेंसीज टॉप करेंसीज का प्राइस ड्रॉप किया है, बट दूसरी तरफ से शिबा इनू के बर्न रेट में जो नया माइलस्टोन अचीव किया है ये शिबा इनू आर्मी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज के बारे में। इथेरियम जो कि सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है मार्केट कैप के लेवल पे, हाल ही में उसमें शूट अप देखने को मिला। इसने एक अपना सीरियस मूव दिखाया है। अगर देखा जाए तो 600 मिलियन Coinbase ने अपना स्ट्रॉन्ग प्राइस क्रिएट किया है सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पिछले 24 घंटों में। इथेरियम का प्राइस जो है वो $1250 तक रीच कर जाता है, जो कि अपनी एक इम्पोर्टेंट लेवल की तरफ एक इनिशिएट है। अगर देखा जाए तो $1300 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है इथेरियम के लिए। और अगर चार्ट की बात माने तो जो अभी करंट सिनेरियो निकल के आ रहा है उस हिसाब से इथेरियम आगे अच्छा स्पाइक दिखा सकता है, जो पैटर्न बन के आ रहा है उसके हिसाब से। और अगर इथेरियम की बात करें तो पिछले 12 घंटों में 7% का प्राइस पंप देखने को मिला है इथेरियम में। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। पिछले 7 दिनों में क्रिप्टो मार्केट से एक का मार्केट कैप काफी ज्यादा लो हो गया। अब वन ऑफ द रीजन ये माना जा रहा है जो FTX का जो रिसेंट ड्रामा हुआ, FTX कोलैप्स हुआ, उसकी बैंकरप्सी, ये सारे रीजन है। इसके अलावा अनदर रीजन की वजह से भी कहीं ना कहीं होल द क्रिप्टो मार्केट कैप में बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिला है। अभी ये 1 ट्रिलियन से ड्रॉप होके 838.37 बिलियन तक हो गया है। अगर देखा जाए तो $179.3 बिलियन क्रिप्टो मार्केट ने गवाए हैं विद इन अ लो टाइम पीरियड, जो कि 17.61% है। एट द सेम टाइम मार्केट कैप की अगर बात करें तो BTC भी अपने 18.73% तक उसने डिक्लाइन दिखाया है और मार्केट कैप में वो भी अब डाउन चला के $398.69 बिलियन से $324.03 बिलियन हो गया। मोस्ट ऑफ द जो मार्केट में कॉइन्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ, इनके प्राइस में बहुत ड्रॉप आया और मार्केट कैप में बहुत ड्रॉप आया है, क्योंकि इतना मैसिव अमाउंट में क्रिप्टो ड्रॉप हुआ है। बात करते हैं शिबा इनू के प्राइस की, जो कि 24% तक ड्रॉप हो गया विद इन अ वीक। अगर हम इसके प्रोड्यूस की बात करें तो एक निगेटिव डेथ क्रॉस पैटर्न शॉर्ट टर्म में हमें चार्ट में देखने को मिलता है। शिबा इनू का जो शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन है वो निगेटिव मूविंग एवरेज को अपेयर कर रहा है 4 आवर्स चार्ट में। मूविंग एवरेज की बात करें तो वो भी करीब 200 पे 4 आवर चार्टिंग पे निगेटिव क्रॉस को दिखाता हुआ दिख रहा है, जिससे कि सीधे से ये पता चल रहा है कि शिबा इनू के प्राइस में ड्रॉप है। आने वाले टाइम में किस तरह से प्राइस पंप अप होगा ये तो डिपेंड करता है जो आने वाली न्यूज है, जस्ट लाइक शिबेरियम एंड द अपग्रेड ऑफ द शिबा इनू जो कि डेवलपर्स लेके आएंगी। RSI इंडिकेटर 4 आवर चार्ट में जो दिखा रहा है वो बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है। साथ ही बहामास बेस्ड FTX ने जो बैंक्रप्सी फाइल की है उसने कहीं ना कहीं पूरे क्रिप्टो मार्केट को हिला के रख दिया है। एक क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है जिसमें कि शिबा इनू टीम अपना पूरा एफर्ट डाले ताकि प्राइस को स्टेबल कर सके और कम्युनिटी को और ज्यादा बिल्डअप कर सके। अब बात करते हैं हमारी लास्ट न्यूज की। SRM और MSRM जो टोकन है उसके जब फीस डिस्काउंट है वो चेंज नहीं होंगे, साथ ही इसकी जो वर्किंग है डेवलपर्स की वो भी चेंज नहीं होगी। डेवलपर्स ने अपना ये स्टेटमेंट दिया है। सोलाना जो डेवलपर्स हैं उन्होंने फोर्क किया है वाइल्ड लेवल पे टोकन लिक्विडिटी हब सीरम को, जो कि कॉम्प्रोमाइज हो गया था जब FTX की बैंक्रप्सी
फाइल की गई थी। एक तरह से ये एक हैक था जिससे कि कहीं ना कहीं चीजों में बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे। सीरम जो कि SRM टोकन है एंड मेगा सीरम जो कि MSRM टोकन है, ये दोनों फीस डिस्काउंट और इसका जो वर्किंग है दोनों अनचेंज रहने वाला है। दोनों डेवलपर की तरफ से ये दोनों न्यूज आई है। साथ ही ट्विटर हैंडल में इसके बारे में डेवलपर की तरफ से स्टेटमेंट आया है क्लियर कि इसमें कोई भी चेंजेस वो लेके नहीं आने वाले हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है जस्ट लाइक जुपिटर, जो पॉपुलर एग्रीगेटर है सोलाना का, उसने कंफर्म किया है कि जो सीरम की लिक्विडिटी सोर्स है ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न अपग्रेड की जाएगी अथॉरिटीज के द्वारा और प्रोजेक्ट में और ज्यादा चीजें बढ़ाई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे आने वाली खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।